अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कौन टाइप अगर कोई मटेरियल है तो उसका वेट कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि वैल्यू मालूम करने पर ही उसका वेट निकल सकता है। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक कौन टाइप कोई मटेरियल है, चाहे कंक्रीट का मानो या खसप का, यानी टिम्बर का, या फिर आयरन का, स्टील का, किसी चीज़ का भी मान सकते हैं। बहरहाल हमने इसको कंक्रीट का मान के कैलकुलेशन किया है। इसकी हाइट है 2 मीटर, रेडियस है 0.5 मीटर, यानी आधा मीटर। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, यानी हाइट डिवाइडेड 3। तो पाई का वैल्यू निकल आएगा 3.142 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 2 हाइट है, 2 मीटर हाइट है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 3.142 इंटू 0.25, इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा, इंटू 2 डिवाइडेड 3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.5236 क्यूबिक मीटर। ओके दोस्तों, अब ये क्यूबिक मीटर में इसका वैल्यू निकल गया, वैल्यू क्यूबिक मीटर में निकल गया। अब इसका हम वेट पता करेंगे। इसके वैल्यू में कंक्रीट का 4 वैल्यू है, 2200 केजी है, 2300 केजी है, 2400 केजी है, 2500 केजी है। ओके, ये प्लेन कंक्रीट सीमेंट है, ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, उसका वैल्यू है। और ये जो चीज़ें हैं ये जनरल जो है यूज़ होता है, इसमें जो कंक्रीट मिलाई जाती है, मतलब जो उसके गिट्टी वगैरह जो मोरंग और सीमेंट, उसके मुताबिक ये जो है इसका वेट कम ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में ये इस वैल्यू का कंक्रीट इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, ये जो है जैसे पिलर जो बनता है ना, उसमें जो है इस्तेमाल होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का उसी में इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, तो अब हम 2400 वन क्यूबिक इजकल टू 2400 केजी वैल्यू ले रहे हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू में वन क्यूबिक मीटर की वैल्यू जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वन क्यूबिक मीटर में 2400 केजी होता है, तो आ जाएगा 1256.64, 1256.64 केजी। ओके दोस्तों, अगर इसी को जो है आयरन में कन्वर्ट करना है, आयरन का वैल्यू मालूम करना है, अगर कोई कौन टाइप आयरन हो तो आयरन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयरन का होता है 7870, 7873, 7850। ओके दोस्तों, ये तीन वैल्यू रनिंग में है जो कैलकुलेशन में यूज़ होता है। जैसे कि इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसका जो वैल्यू होता है उसकी कास्टिंग के ऊपर डिपेंड होता है, वो जो कंपनी उस आयरन को मैन्युफैक्चर की है वो इसका वैल्यू निकाल के देती है। अब उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए जो है उस पे ना जाएं, बस आप सिर्फ ये तीन वैल्यू याद रखें, 7850, 7870, 7873, हाईएस्ट 7873 है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।